हाय, आई एम डॉक्टर कविता। आज मैं बताने वाली हूँ ल्यूकोरिया के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज बोला जाता है। सो, ये मेनली फीमेल के लिए ही मैं बता रही हूँ। सो, आजकल सब एज में, ताकि पहले हम लोग को पता है आफ्टर पुबर्टी एज में ये ज़्यादा दिखते थे, बट अभी स्कूल एज की स्टूडेंट को भी ये प्रॉब्लम रहते हैं। सो, इसके कारण क्या है? सबसे मेन कारण है कि हमारा अनहाइजीन यानी कि हम लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं, मतलब हम लोग नहीं रहते अपना बॉडी। एक और, हम लोग जो हम वॉशरूम यूज़ करते हैं, टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, वो टॉयलेट अगर नीट एंड क्लीन नहीं है तो भी हमको ये प्रॉब्लम आने के चांसेस है। सेकेंड है कि आपको अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उस टाइम में आपको वाइट डिस्चार्ज आने के चांसेस है। किसी को मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया, उस कंडीशन में भी किसी को वाइट डिस्चार्ज आने के चांसेस रहते हैं। इम्यूनिटी पावर किसके अंदर बहुत कमी है, उनको ये वाइट डिस्चार्ज आने के चांसेस रहता है। और कोई भी मेडिकल कंडीशन में भी ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहता है। और यूटीए के बाद, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद भी किसी को वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और एक वाइट डिस्चार्ज है कि आपकी महीने भर रहता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसे ही वो आपको कंटिन्यूस रहता है। उसको हम लोग प्रॉब्लमेटिक, मतलब वो ल्यूकोरिया बोला जाता है, क्योंकि आपको नॉर्मली 4 डेज ओवुलेशन पीरियड में भी आपको ये जैसे वाइट डिस्चार्ज होता है, उसी टाइप का आपको वेजेनल डिस्चार्ज होता है। वो आपका नॉर्मल है, नेचुरल है। जो लेडीज़ को पीरियड आने के पहले ओवुलेशन पीरियड बोला जाता है, उस टाइम वाइट डिस्चार्ज होता है, वेजेनल डिस्चार्ज बोलता है। ये एक सेक्रीशन है, मुकस टाइप का दिखता है, किसी को लिक्विड टाइप का भी होता है, किसी को बहुत मतलब थिक टाइप का भी दिखता है। तो ये ओवुलेशन पीरियड में 4-5 डेज ही रहता है, उसके बाद नेचुरली वो वैनिश हो जाता है। नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा से ऐसे हो जाता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जिसको कंटिन्यूस किए आता है वाइट डिस्चार्ज आता है, वही आपको जो वेजेनल डिस्चार्ज कंटिन्यूस आता है, उसको ल्यूकोरिया बोला जाता है। कभी कभी वो बहुत बैड स्मेल भी करते हैं, कभी कभी वो लाइट येलोइश कलर का भी रहता है। उस टाइम आपको क्या क्या प्रॉब्लम आता है? एक तो आपको एकदम वीकनेस लगने लगते हैं, एजिंग लगने लगते हैं फेस में, चेहरे में आपको एकदम एजिंग दिखने लग जाता है। उससे मेन है कि आप एकदम वीक हो जाता है, एकदम थकान हो जाता है, और आपकी जो बैक पेन है, बैक साइड में बहुत सीवियर पेन होने लगता है। कंटिन्यूस अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज हो जाता है, उनको बैक पेन बहुत ज़्यादा ही रहता है। और किसी किसी को मतलब ये पता नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा स्मेलिंग रहता है कंटिन्यूस होते हैं, तो उनका वेट रिडक्शन भी हो जाता है, वेट भी घटा जाता है। सो, इस टाइप के साइन सिम्टम्स है, इस टाइप को दिखा जाता है। कोई भी एज में आजकल दिखता है, क्योंकि स्कूल एज का, 8-9 ईयर्स का भी गर्ल्स को अभी वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहता है। मेन तो जो हम लोग जो वेजाइनल पार्ट है, ऑलरेडी वो वेट पार्ट होता है। सो, ईस्ट और फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जहाँ पर वेट होता है, उधर प्रोड्यूस होता है ना। तो हमको क्या करना है, हम यूरिन वॉश मतलब जाने के बाद, वॉश करने के बाद एकदम ड्राई करना बहुत जरूरी है। ड्राई करने के बाद ड्राई क्लोथ को ही पहनना है, वेट क्लोथ को नहीं पहनना है। किसी किसी का यूरिन का ऐसे प्रॉब्लम रहता है, वेटनेस रहता है, उनका हमेशा याद रखना, यो वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद जो पैंटीज आप पहनते हैं उसको वेट होके नहीं पहनना है, उसको चेंज करना है इधर, नहीं तो एकदम सनलाइट में सुखा के ही पहनना है। अगर आप हाइजीनिक रहने से ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाता है, बाकी जो प्रॉब्लम आपको पता चलता है आपको क्या चीज़ से ये हो रहा है, मतलब ये एक डेंजर जोन नहीं है, बट आप नेग्लेक्ट करोगे तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगा। सो, इसके लिए मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने के पहले आपको एक दो मैं होम रेमेडी बता रही हूँ। इस होम रेमेडी के साथ आप एक्यूप्रेशर को भी एक्टिवेट कर लीजिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको बिंडी, 2 बिंडी नहीं तो 3 बिंडी लेना है, कम से कम 2 बिंडी लेके उसको अच्छा से काट कर, नहीं तो बीच से काट करके 1 ग्लास पानी में बॉईल करना है। बॉईल करके उसको फिल्टर करके उस पानी को पीना है। बिंडी यानी कि हमको पता है, उसको काटने से भी हमको पता है, जैसे वो म्यूकस टाइप को हमको दिखता है। सो, जो नेचर है वो ही बताता है हमको किस टाइम में क्या खाना है। सो, लेडीज फिंगर नहीं तो बिंडी हमको पता है, उसमें जो निकलता है वो नेचर ही बोलता है ये इस टाइम आपके लिए काम आ जाएगा। तो उस पानी को आपको 1 ग्लास सुबह और 1 ग्लास शाम को पीना है। कम से कम 5-7 डेज आप रेगुलर पी लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ अभी मैं दिखाऊंगी उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी एक्टिवेट करना है।
सेकेंड एक्यूप्रेशर सॉरी सेकेंड होम रेमेडी है कि आपको जो बनाना है, बनाना एकदम पका हुआ, मतलब आपकी ऊपर की बनाना के खेले के ऊपर की जो लेयर है वो एकदम ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद उसको एकदम शेक करके, मतलब बनाना शेक पीना है, उसके और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल बनाना शेक बना के आपको सुबह शाम एक ग्लास पीना है। तो अगर बच्चा है, स्टूडेंट्स है, तो भी उनको ये पिला रहे, क्योंकि बिंडी अगर उनको पीने की कष्ट हो जाएगा तो आप बनाना शेक दे सकते हैं। एक और होम रेमेडी है कि आपका काला चना, उसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं, उसको उसके साथ एक ग्लास, उसको एकदम काला चना ऐसे भी आप खा सकते हैं उसके साथ, नहीं तो मिक्स करके पाउडर बना के गर्म दूध में मिला के उसको सेवन कर सकता है। एक आपके खाने में दही का, दही इस्तेमाल कर लीजिए, दही खाने से भी आपको ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। सो सबसे मेन आपका भिंडी लेना, कोई भी एक चीज़ लेने से आपको हो जाएगा, भिंडी ले लीजिए, नहीं तो आप बनाना शेक ले लीजिए, नहीं तो आप कर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए। इसके साथ साथ जो अभी मैं दिखा रही हूँ, मैं तीन आपके प्रेशर पॉइंट दिखा रही हूँ, उसमें एक आपके लोकल पॉइंट है, दो पॉइंट आपका डिजिटल पॉइंट है, उसको आपको एक्टिवेट करना है। सबसे मेन पॉइंट है आपका CV4 बोलते हैं, CV4 कहाँ पर है आपका, ये आपका बेली बटन है, बेली बटन से फोर्थ चिन इन्फीरियर, अदायत ताकि आपका बेली बटन से जो नीचे की तरफ आपको फोर्थ चिन गिनना है, ये फोर फिंगर मतलब तीन चुन है, उसके बाद एक चुन काउंट कर लीजिए, नहीं तो ये एक चुन है, इसको मेजरमेंट बोलते हैं एक चुन। सो इधर से आपको फोर टाइम नीचे की तरफ आना है, आपकी पूबिक एरिया की तरफ आएगा आपका CV4 बोलते हैं, इसका रेन 4 भी बोलते हैं, ये आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट है। चलिए आपका पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, पूबिक एरिया के ऊपर की तरफ आ जाएगा इस पॉइंट को, ये सेंट्रल लाइन है, आपको पता ही है आपका अम्बिलिकस का लाइन सेंट्रल लाइन है। सो उसको आपको इस फिंगर में एक्टिवेट करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है, डीपली प्रेस करना है, रिलीज करना है, इसको 1-3 मिनट्स तक आपको एक्टिवेट करना है। ये आपका लोकल पॉइंट बोलते हैं, लोकल पॉइंट यानी कि जिस एरिया में जो प्रॉब्लम हो उसी एरिया आपको आप करने से लोकल प्रॉब्लम पॉइंट बोलते हैं। जो डिजिटल पॉइंट है, जो उस पार्ट से थोड़ा सा दूर है, उसको डिजिटल पॉइंट बोलते हैं। ये SP6 बोलते हैं, SP6 तो एकदम एक सुपर पॉइंट है, क्योंकि हर चीज़ के लिए SP6 यूज़ किया जाता है। ये आपकी अंगूठे के तरफ से इधर एक बोन है, ये बोन से आपको ये फोर फिंगर मेशर करके ऊपर जो मिलेगा वही आपका SP6 है। इस पॉइंट को, ये पॉइंट एकदम आपको पेनफुल रहेगा, ये प्रेस करने से बहुत ज़्यादा दुखता है, बट बहुत अच्छा पॉइंट है ये, आपको इसी के लिए नहीं, बहुत सारे चीज़ के लिए SP6 बहुत अच्छा पॉइंट है। सो इसमें डमी में मैंने दो पॉइंट आपको दिखाया, और तीसरी पॉइंट है LI11 बोलता है, LI11 था कि आपका जो आपके एल्बो को ऐसे फोल्ड करने से इधर एक क्रीज आएगा, ये क्रीज का एंड, इसकी एंड आप ऐसे आपको थंब हुक टाइप का पकड़ के ऐसे एक्टिवेट कर सकता है, ये दोनों तरफ आप एक्टिवेट कर सकते, बाइलेटरल है ये, जैसे कि SP6 भी बाइलेटरल है, ये दोनों आप इस टाइप की एक्टिवेट कर लीजिए। सो दोनों पॉइंट अभी बाइलेटरल है कि LI लार्ज इंटेस्टाइन 11 और SP6, और आपको रेन है कि सिंगल पॉइंट है, मतलब आपका जो CV4 मैंने जो बताया उसको आपको सिंगल पॉइंट है। तो ये पॉइंट को आपको दिन में 3 बार आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि आपको अगर टाइम मिल गया तो 3 बार आप कर लीजिए, नहीं है तो आपको कम से कम 1 बार करना है। 1 बार करने से आपको मतलब 3 मिनट करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं बार बार क्यों क्लियरली बोल रही, हर यूट्यूब के नीचे सब लोग बार बार पूछते हैं। सो आपको एक टाइम 3 मिनट करना है, अगर आप सिंगल पॉइंट यूज़ करेंगे तो 3 मिनट, सपोज आपने CV4 यूज़ किया, CV4 को छून लिया, तो आपको 3 मिनट CV4 को ही एक्टिवेट करना, नहीं आपने सोच लिया मेरे को CV4 एक मिनट करना है, तो दूसरा दो पॉइंट मैंने बताया उसको एक मिनट करके प्लस करना है, ताकि आपको टोटल 3 मिनट्स हो गया, और पूरा दिन में आप 3 टाइम कर सकते हैं। ताकि अभी सपोज आपको टाइम नहीं मिला
तो आप मॉर्निंग कर सकते हैं, उसके बाद ये जो होम रेमेडी मैंने बताया उसके साथ ले लीजिए। सो होम रेमेडी के साथ ये एक्यूप्रेशर आप एक्टिवेट करके करते रेगुलर करते आ जाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। होम रेमेडी को आप 7 डेज करके एक बार स्टॉप भी कर सकते हैं, आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा सीवियर है आपकी कंडीशन तो एक्यूपंचर लेने से आपको बहुत इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू।